भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल है। आज घरेलू गैस पर 50 रुपया बढ़े हैं, कॉमर्शियल गैस पर 350 और बिजली पर 23% दाम बढ़े हैं, तो पूरी तरह से जनता की कमर तोड़ दी है। वैसे भी तो परेशान थी, इतना टैक्स देते हुए परेशान, अब ये घरेलू पर, कॉमर्शियल गैस पर और बिजली पर 23% बढ़ा करके पूरी जनता को तबाह करने का काम किया है। अभी तो ये बढ़ाया है इन्होंने, अब जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तब फिर घटाएंगे। तो केवल जनता को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। देखिए आजकल डिजिटल का जमाना है, अब हमारे पीछे कोई खड़ा हो जाए घटना करके, आपके घर में कोई घटना करके आ जाए और यहाँ खड़ा हो जाए, तो डिजिटल के जमाने कोई लेना देना नहीं है। सरकार तुष्टिकरण की नीति में विश्वास करती है और उसी में व्यस्त है। सरकार अपना केवल चेहरा चमकाने के लिए और जातीय समीकरण बना करके मुस्लिम तुष्टिकरण के नीति के तहत अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने के लिए लगी हुई है। सरकार कितना संवेदनशील है इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, नीतीश कुमार जी इफ्तार में छहोरा खा रहे थे और उधर ललन बाबू मटन का भोज कर रहे थे और बिहार के चार जिला धू धू करके जल रहा था, हिंदुओं पर अत्याचार।